نحمده نستعينه نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم میرے تمام سننے والے جو کہ سیرہ میں دلچسپی رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ اگین میں نے بہت عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور पिछली वीडियो से मैं इसको लिंक करना चाहूँ तो इतना कहूँगी कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे ग़ज़वत बद्र की जो कि पहली ग़ज़वा है और हम इस पॉइंट पे पहुँचे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे महाजरीन के बारे में तो वो जानते थे कि महाजरीन तो लड़ेंगे कट मरेंगे वो तो ऑलरेडी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए हैं तो उनके लिए तो कोई वे बैक नहीं है वो उल्टे कदम नहीं फिर सकते लेकिन अंसार के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआहिदा था वो ऑफेंसिव फाइट का नहीं था डिफेंसिव फाइट का था यानी कि अगर उनके ऊपर हमला होगा या किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचेगा तो अंसार उसमें पूरी तरह से मदद करेंगे लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई थी बदर के मुकाम पर कि अब इनको ऑफेंसिव फाइट करनी पड़ रही थी कि पूरा का पूरा जो है वो कबीला कुरैश उठ के आ गया था और अपने इत्तेहादियों के साथ और वो जंग करने के लिए आया था इनसे और ये लोग मुट्ठी भर थे तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर नहीं कर सकते थे अंसार को कि वो उनके साथ फाइट करें इसलिए वो बहुत वरिड अंदाज में और बहुत टैक्टिकली इस ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि अंसार का इस सारे मामले में क्या इंस्टेंस है क्या चाहते हैं वो लोग क्या सोचते हैं तो हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी कि अंसार के जो लीडर हैं इस वक्त साद बिन मुआज वो खड़े हुए और उन्होंने इंतहाई एलिक्वेंट स्पीच दी और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस परेशानी को भांप गए और उन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज में उस परेशानी को रद्द कर दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मतलब उसके बाद कोई उनको ऐसी सोच ना रही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन अंसार उनकी मदद नहीं करेंगे और उसका बहुत ही जो मुझे बहुत ही खूबसूरत उसका जो पार्ट लगता है वो ये था कि जिस तरह साद बिन मुआज़ ने कहा कि हम मूसा अलैहि सलाम के लोगों की तरह नहीं करेंगे बनी इसराइल की तरह नहीं करेंगे जिन्होंने कहा कि जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो और हम आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि आप हमें जिस डायरेक्शन में ले जाएंगे हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके बाद जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम्प्लीटली श्योरिटी हो गई कि तमाम लोग उनके साथ हैं और उनके एक इशारे के मुंतजर हैं और जिस तरह वो कहेंगे उस तरह से वो सब करने को तैयार हैं चाहे उन्हें लड़ना पड़े चाहे उन्हें मरना पड़े इसके बाद ये किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जितने भी लोग थे उनको तीन डिफरेंट फ्लैंक्स के अंदर या आप कह लें बटालियंस के अंदर उनको डिवाइड कर दिया और ये डिवीजन इस तरह नहीं थी कि मुकम्मल तौर पर जैसे कहते हैं कि आप एग्जैक्ट डिवीजन कि बराबर के लोग हों इसमें बल्कि ये डिवीजन इस तरह थी कि एक फ्लैंक पूरा का पूरा जो है वो मुहाजरीन का एक फ्लैंक पूरा का पूरा अंसार का और एक फ्लैंक ऐसा था जिसमें कुछ लोग थे और ये दोनों ये अंसार और मुहाजरीन मिक्स ये लोग थे और इसको थोड़ा सा पीछे रखा तो अब किस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जितने भी अंसार थे तमाम अंसार को साद बिन मुआज़ की लीडरशिप के अंदर उन्होंने तमाम के तमाम अंसार को एक तरफ कर दिया एक फ्लैंक में और जितने भी मुहाजरीन थे वो तमाम के तमाम हजरत अब हजरत अली बिन अबी तालिब के अंडर जो है उनकी लीडरशिप के अंदर आ गए तमाम के तमाम मुहाजरीन और जो तीसरा फ्लैंक था उसको कैस इबन सासा के लीडरशिप के अंदर और कहते हैं कि इनको पीछे रहने का हुक्म दिया कि खुदा न खास्ता अगर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो किसी वक्त इनको ज़रूरत पड़ जाए और ये ना उस तरह से अपना दिफा कर पा रहे हों जिस तरह ज़रूरत है तो फिर कैस बिन सासा अपने फ्लैंक को लेके आगे बढ़ें अच्छा और इन सब के बीच में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया मुसअब बिन उमेर को मुसअब बिन उमेर कौन थे ये वो सहाबी थे जो कि
सबसे पहले जिनको मदीना में भेजा गया हिजरत से कबल, ताकि मदीना वालों को वो दीन सिखाएं। तो मुसाब बिन उमैर जो है वो अंसार की नज़र में भी बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल मोहतरम शख्सियत थे, उनके उस्ताद थे, उनके ज़रिए इस्लाम उन तक पहुँचा था। और वैसे ही ये कुरैशियों में बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके बारे में आपको याद होगा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि मुसाब बिन उमैर उन लोगों में से थे जिन्होंने कभी एक दफ़ा का पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहना था। इतने अमीर कबीर और इतनी खुशबुएं, जहाँ से गुजर जाते थे रस्ते से तो खुशबुओं से पता चलता था कि यहाँ से मुसाब बिन उमैर गुजरे। इतनी ज़्यादा जो है वो खुशबुओं में होते थे, मतलब इतने लविश अंदाज में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी इस्लाम से पहले। और जब इस्लाम कबूल किया उन्होंने, तो उनकी मदर ने उनके तन से कपड़े तक उतरवा लिए और उनको बहुत पिटवाया अपने रिश्तेदारों से और सबसे, और वो इस बेसरो समानी की हालत में निकले। और उनका हाल देख के ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबसे पहले मदीना जाने का तजवीज़ किया था। तो इनके हाथ में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का सफ़ेद झंडा दिया। अब जंगी जो झंडा होता है, ये हमें मालूम है कि ये एक ऐसा रैंक है किसी भी जंग के दौरान, ये जिस शख्स का रैंक होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होता है। ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में भी कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं कि सब लोगों को एक आवाज़ के ऊपर जो है वो अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया जाए, या लोगों को किस तरह, जब जंग लड़ रहे हैं और आप उसकी थिक एंड थिन के अंदर हैं, इतनी खून और जो है वो बारूद, और बारूद तो नहीं लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी और सारा कुछ, जब इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है तो आपको कैसे पता चले कि भाई आप जंग जीत रहे हैं या आप जंग हार रहे हैं। तो उस वक्त ये जो अलमबरदार जो सिपाही होता था या जो लीडर होता था, उसको देखते थे लोग जंग में अपना झंडा तलाश करते थे। और अगर जंग में उनका झंडा खड़ा हुआ है तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल रहता था कि हाँ, हम लोग अभी, हमारे कदम जमे हुए हैं, हमारा जो फ्लैग बेरर है वो खड़ा हुआ है और हम लोग ये जंग जीत रहे हैं। और इसी तरह जो दूसरी मतलब साइड थी, ऑपोजिट साइड होती थी, उनका सबसे बड़ा टारगेट यही होता था कि वो पहले झंडा गिरा दें, क्योंकि पहले झंडा गिराने से इस तरह उनके हौसले बिल्कुल टूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो मज़ीद उस दिल जमाई के साथ लड़ाई नहीं कर सकते जिस तरह से वो पहले कर रहे होते थे। तो ये इंतहाई सेंसिटिव जो है वो पोजिशन थी जिसके ऊपर मुसाब बिन उमैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैनात किया, बहुत ऑनररी, बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन। इसमें हम एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से सेग्रीगेशन की, जिस तरह से ये फ्लैंक्स बनाए, जिस तरह से ये बटालियंस अरेंज की, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ठीक है, आप मतलब इस्लामिकली हम सब एक लेवल पर हैं, सारा कुछ है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पर इंसान की जो उसकी शनाख्त है, जो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसका रैंक क्या है, उसका ओहदा आम ज़िंदगी में क्या है, उसके कबीले में क्या है, उसके घर में या वो किस पोजीशन पर है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मान ली जाती है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी ज़रूरत होती है। और ये इंसानी फितरत है, और हमें मालूम है कि हमारा दीन हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाता जो कि इंसानी फितरत से मावरा हो। तो ये इंसान की बहुत ही फितरत है कि जहाँ पर उसको अपने जैसे लोग मिलते हैं वो उनकी लीडरशिप में को आसानी से कबूल कर लेता है, बनिस्बत इसके कि उसके ऊपर बिल्कुल कोई ऐसा नया लीडर जिस जो कि एथनिसिटी वाइज उनके जैसा ना हो, उसकी ज़बान उनके उसको उनको ना समझ में आती हो, अगर किसी ऐसे शख्स को उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो वो बहुत खुशी के साथ भी उसकी लीडरशिप कबूल नहीं करते, उनको समझ में भी नहीं आती और वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनसार के ऊपर अनसार का लीडर बनाया, मुहाजरीन के ऊपर मुहाजरीन का बेस्ट जो बंदा था हज़रत अली बिन अबी तालिब, उनसे बेहतरीन कौन हो सकता है, तो उनको मुकर्रर किया। तो ये एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, फैक्ट है
जो कि बाद में शायद उस वक्त राइट अवे उनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन बाद में समझ में आया होगा। मैं खुद एक ऐसी पोजीशन पर हूँ यहाँ पे, मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ और मैं हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जब हम जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन लेके लोगों के पास, तो सबसे ज़्यादा हमसे जो अट्रैक्ट होते हैं और हमारे साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं वो हमारी अपनी एथनिसिटी के लोग होते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तानी लोग या वो सारे लोग जो कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी जानते हैं, वो या सिंधी भी इवन, तो वो लोग बहुत आराम से जो है मेरी बात सुनते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आती है, उनके लिए मुझ पर ट्रस्ट करना बहुत आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि मैं किसी और एथनिसिटी के बंदे के साथ जो है वो मामला करूं या मैं उनको अपना क्लाइंट बनाऊं। होते हैं, वो भी होते हैं, और बाज़ औकात बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन स्टिल जो बात आपके अपने कबीले के लोगों में होती है वो कहीं नहीं होती। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का बे इंतहा बड़ा ज़बरदस्त ख्याल रखा इस सारे मामले में और उनको इन फ्लैंक्स में बांट दिया। अच्छा, तो अब क्या जनाब, अब हम देखते हैं क्या होता है कि इस तरह से बांट दिया गया। और ये सारा काम कब हो रहा है? ये रात के वक्त हो रहा है, अभी शाम है या रात है, और बदर की जो लड़ाई है वो अगले दिन सुबह में होनी है। तो इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके ज़िम्मे सबके काम लगा दिए, तुम लोगों ने इनके अंडर रहना है और तुमने यहाँ से हमला करना है, तुमने यहाँ से हमला करना है, ये फ्लैग बियरर है, सारा कुछ है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में 16 रमज़ान को आते हैं, उन्होंने कैंप किया वहाँ पर, और कुरैश उनके उनसे एक दिन पहले पहुँच चुके हैं, और उन कुरैश ने भी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो बदर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे, बदर के मैदान के अंदर नहीं, बिल्कुल ज़रा सा बाहर जो है ना अपना कैंप लगा लिया। अब जब ये कैंप लगाया हुआ था तो एक स्काउट के तौर पे जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, इनका नाम था हब्बाब इब्नुल मंज़र, ये एक सहाबी हैं, और ये आए और इन्होंने आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप इस ख़ास जगह पर, इसी जगह पर कैंप लगाएं और यहाँ से इब्तदा करें सब कुछ? क्योंकि हर एक को मालूम था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपनी मर्ज़ी से ऐसे नहीं करते थे, यहाँ तक कि कोई कदम नहीं उठाते थे अपनी मर्ज़ी से जब तक कि अल्लाह ताला ने उनको परमिशन ना दी हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये आपकी कोई स्ट्रेटजी हो या कोई टैक्टिक हो जिसकी वजह से आपने यहाँ पर कैंप किया है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने ये खुद से फैसला लिया है, ये फैसला मुझ पर छोड़ा गया था तो मैंने बस यहाँ पर कर लिया, यानी कि इसमें कोई ख़ास तकनीक या कोई ख़ास टैक्टिक सोची नहीं थी। तो अल हब्बाब इब्नुल मंज़र ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कैंप करने के बजाय थोड़ा अंदर जाइए, जो बदर का मैदान है इसमें अंदर जाइए और तकरीबन मिडल तक जो है ना वो जाकर आप कैंप कीजिए, और इस बात को यकीनी बनाएं कि जितने भी कुएं हैं, पानी के कुएं हैं बदर के मैदान में, वो सब आपके कब्जे में आए, यानी कि आपकी फ़ौज, आपका कैंप उसके आगे और कुएं जो हैं वो पीछे हों। इससे ये होगा कि एक तो आपके अपने जो लोग हैं उनको पानी की कमी नहीं होगी किसी भी सूरत में, उनके पास, उनके कब्ज़े में कुएं होंगे, और जिस वक्त दुश्मन आएगा तो दुश्मनों को सिर्फ और सिर्फ अपने मशकीज़ों पर और अपना जो उनका पानी का थोड़ा बहुत उन्होंने जमा किया उसके ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। अब जाहिर है वो ये तो नहीं करेंगे ना कि वो पूरी की पूरी क्रॉस करें, अपनी आर्मी को क्रॉस करें और जाके उनके पीछे से पानी भरने की कोशिश करें। तो ये भी जंगी एतबार से एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है उनके लिए कि जब उनको पता है कि उनके पास एक लिमिटेड मकदार में पानी मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा उस जगह का नहीं पता जहाँ पर वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, क्योंकि वो मक्का से उठ के बहुत दूर आए हैं।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने तमाम लोगों के साथ इसको डिस्कस किया और फैसला किया कि हम आगे चलेंगे और अपना पूरा का पूरा कैंप लेके हम आगे जाएंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पर एक बड़ा कुआं था और बाकी छोटे छोटे कुएं थे। तो असहाबा इकराम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कि ये सारे छोटे छोटे कुएं जो हैं इनमें से पानी निकालो और बड़े कुएं में डाल दो। उन्होंने ऐसे ही किया और छोटे कुओं को बंद कर दिया। अब उनको सबको पता था कि ये एक बड़ा कुआं है जिसके जिसमें हमारी सारी वाटर सप्लाई मौजूद है। अगर किसी वक्त कोई दुश्मनों में से किसी को पानी लेने आना भी है, वो किसी भी कुएं पर जाएगा तो उसे उन कुओं पर भी पानी नहीं मिलेगा। उनको नहीं पता कि किस कुएं के अंदर फिर सारा का सारा पानी है। तो अब इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी तजवीज़ पसंद आई। फिर उसके बाद लोगों ने एक और तजवीज़ भी दी। किस सहाबी ने दी, इनका एग्जैक्ट हमें नाम नहीं मिलता सीरा में, लेकिन उनको एक तजवीज़ ये भी दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा जो है वो ज़रा सा ऊंचाई पे एक टीले के ऊपर लगाया जाए, जहाँ से वो पूरी जंग का मंज़र एक ही जगह से देख सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ भी पसंद आई कि उनका खैमा जो है वो ज़रा ऊँची जगह पर लगाया जाए, यानी कि आप कह लें कि हेड क्वार्टर्स जिस तरह होते हैं, तो वो थोड़ा, ताकि वो अपनी तमाम फ़ौज के ऊपर और दुश्मन की फ़ौज के ऊपर बैक वक्त नज़र रख सकें वहाँ से। फिर अब ये हुआ कि बिल्कुल इन तजावीज़ पर अमल किया गया और इन्हीं के तहत मुसलमानों ने अपनी प्लेसमेंट की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस छोटी सी फ़ौज की, जो कि 315 या 300 और कुछ ऑड नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल थी, मैदान बदर में इसकी इस तरह से सेटलमेंट की कि सारे कुएँ उन्होंने अपने तहवील में ले लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा था उसको थोड़ा सा ऊंचा लगाया गया। फिर रात हो गई, सहाबा कराम ने अपना पड़ाव वहीं पे डाला और इनको यानी कि अपने ऊंट वगैरह बिठाए जो थोड़े बहुत खैमे लगाने थे या जो भी उनकी सेटलमेंट थी, क्योंकि ये लोग तैयार तो आए नहीं थे। तो बहरहाल इन्होंने अपने जानवर वगैरह वहाँ बिठाए, खिलाया पिलाया और इनको दूर से कुरैश आते दिखाई दिए। और ये बात अंडरस्टूड थी उस दौर में कि रात के वक्त जंग नहीं होती थी या दुश्मन हमला नहीं करता था या आप नहीं हमला करते थे किसी के ऊपर, बल्कि अली सुबह ही जो है वो जंग का आगाज़ हो जाता था। इसलिए ये भी अपने पड़ाव में आराम से आके बैठ गए और जो कुरैशी थे आए थे जंग के लिए वो भी सारे के सारे अपनी उन्होंने भी उनके सामने पड़ाव डाल लिया कुछ दूर और वो भी वहाँ पे बैठ गए। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो नहीं सके, उन्होंने ये पूरी रात क़याम में गुजारी और दुआएं करते हुए और नमाज करते हुए बहुत लंबे लंबे सजदे करते हुए गुजारी। और उन्होंने वो मशहूर दुआएं की जो हमें मालूम हैं कि या अल्लाह, अगर ये छोटा सा मुसलमानों का ग्रुप है, अगर ये कल ख़त्म हो जाता है इन काफिरों के हाथों, तो इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं बचेगा जो कि आपका नाम लेवा हो, तो या अल्लाह आप हमें जो है वो फतह अता फरमाएं, इन मुसलमानों को फतह अता फरमाएं और हमें हमारे दिल मजबूत करें और हमारे कदम जमाएं। और यही जो है रात के बीचों बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात ही दुआएं करते रहे हैं। और वो इस बीच में वो सोए हैं कि नहीं सोए हैं इसके बारे में भी हमें नहीं पता चलता, लेकिन रात के बीच में किसी वक्त हल्की हल्की सी फुहार पड़नी शुरू हो गई और सब ने अपने आप को इससे बचाने के लिए इधर उधर ऊँट तलाश की, कोई ऊँट के नीचे बैठ गया या कुछ इस तरह से, या कोई दरख्त तलाश किया, कोई टीला तलाश किया, कोई केव सा तलाश किया। और जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जगाया और कहा कि उठो, नमाज का वक्त हो गया है, उठो या लोगों, नमाज का वक्त हो गया, यानी कि उनको पता है दुश्मन उनके सर पे खड़ा है और सुबह उनकी लड़ाई होनी और उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने ये जंग जीतनी है या नहीं जीतनी, क्योंकि उनके पास तो ज़राए भी बहुत ही कम है। लेकिन उसके बावजूद ही अल्लाह ताला का एक ख़ास एहसान था कि ये जो फुहार पड़ी इसने एक तरह से उनको इतना रिलैक्स कर दिया, उनको इतनी अच्छी इतनी मीठी नींद आई कि वो भूल ही गए इस बात को और उन्होंने ये रात इंतहाई इत्मीनान में गुजारी। और ये अब शुरू हो जाता है, 17 रमज़ान का दिन है, 624 CE, 624 जो है वो इसकी डेट बनती है अगर हम इसको अपने कैलेंडर के हिसाब से देखें। और
अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में इस नींद और इस बारिश का जिक्र इतने खूबसूरत तरीके से किया है। इसकी सूरह अनफाल की आयत नंबर 11 है और इसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। जब इसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे। तो इस आयत में से ही हमें पता लगता है कि ये जो फुहार पड़ी इसके कितने फ़ायदे थे। इसके तीन बड़े फ़ायदे तो हमें इस आयत से ही नज़र आ रहे हैं, जो कि हम इस तरह बता रहे हैं कि सबसे पहले बात तो ये कि अल्लाह ताला चाहते थे कि जो वो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी और जो टायर्डनेस उनको सफ़र से और इन सारे वाक़ात से हो गई थी, एक तो वो सब दूर हो जाए, उनसे वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं। मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि आप जितने रिलैक्स होते हैं, हम जब अपना कभी पर्चा भी देना जाते हैं, इम्तहानी पर्चा भी, तो उससे पिछली रात जो है वो बहुत ही एंग्जाइटी में गुजरती है, नींद नहीं आती। खुद मेरा अपना यह हाल होता था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी पूरी की पूरी रात, और पढ़ा भी नहीं जा रहा होता था, और सिवाय दुआ करने के और कोई चारा नहीं होता। और अगर किसी दिन नींद आ जाए तो, और वो वाकई आपको एक ऐसी नेमत लगती है कि सुबह फ्रेश उठ के जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो ये वो वाली कंडीशन है। मुझे तो बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन महसूस हो रही है जैसे मैं अपने पर्चे देने जाती थी और कभी मुझे नींद आ जाती थी तो जो रिलैक्सेशन होती थी और जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती थी। तो इन लोगों के साथ भी बिल्कुल वही मामला था कि अल्लाह ताला ने इनको नींद की चादर उड़ा दी। गर्मियों के दिन वहाँ होते हैं तो हल्की सी फुहार जो है वो एक एडिशनल, एक जिसे कह लें आपके थोड़ा सा मौसम खुशगवार मौसम होने का एलिमेंट, उससे वो भी आपको मज़ीद नींद अच्छी लाने में मदद देती है। उसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने ख़ुद ही बताया है कि इसलिए ताकि हम तुमसे नजासत दूर कर दें, हर तरह की नजासत और शैतानी नजासत, वो नजासत जो आपके जिस्म पे लगी है फिज़िकली जो नज़र आ रही है, एज़ वेल एज़ वो नजासत जो हमें नज़र नहीं आती, जो शैतानों की और दूसरी तीसरी मखलूकात की है, वो अल्लाह ताला ने इस पाक पानी को बरसा के वो दूर फरमाई। और फिर उसके बाद ये कि उनके दिलों को मजबूत कर दिया इस नींद की वजह से, या इस ये जो सुकून अल्लाह ताला ने बरसाया उनके ऊपर, उससे उनके दिलों को तकवियत बख्शी, वो जो एंग्जाइटी जो टायर्डनेस थी वो सारी की सारी धुल गई, दूर हो गई, और पांव जमा दिए। पांव जमाने का ये मकसद था कि सैंड के ऊपर वैसे ही भागना दौड़ना या लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी जिस तरफ थी उस तरफ ये बारिश जो है वो सिर्फ फुहार की सूरत में सिर्फ इतनी पड़ी कि वो सैंड जो उनके ज़मीन पैरों के नीचे थी वो इतनी वो हार्ड हो गई, इतनी सख्त हो गई कि उसके ऊपर उनके कदम जम गए। अब लेकिन दूसरी तरफ कुरैश की तरफ ये बारिश इतनी ज़्यादा पड़ी कि वहाँ पे बकायदा मड पडल्स बन गए, और बजाय इसके कि उनके मतलब वो उससे फ़ायदा उठा सकते, उन वो मतलब गदला हो गया और उनके पांव उसमें डूबने लगे, और वो अजीब चप चप करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जबकि इनकी साइड पर मुसलमानों की साइड के ऊपर इतनी मुनासिब बारिश पड़ी कि बस सारी की सारी ज़मीन फर्म हो गई और ये उसके ऊपर आराम से खड़े होके लड़ने के काबिल हो सके। तो ये सारे फ़ायदे अल्लाह ताला ने इस तरह सूरह अनफाल में ज़ाहिर किए। और सूरह अनफाल पूरी की पूरी उसमें बहुत, जिसे कहते हैं ना, ग़ज़वा बदर का ही पूरा नक्शा खींचा गया है और बड़े खूबसूरत उसकी आयात हैं, और ग़ज़वा बदर की सारी चीज़ें हमें सूरह अनफाल से ही मिल रही होती हैं। अच्छा जी, अब ये है कि अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि इस मौके पर, और ये इमाम अहमद जो हमारी मुसनद अहमद है उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अगर तुम हम लोगों को बदर की रात देखते, हम सब के सब ऐसे सो रहे थे जैसे मर ही गए हों, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुसलसल दुआ कर रहे थे और क़याम में खड़े थे। तो मतलब इससे बढ़कर और क्या हमारे पास इसकी दलील हो सकती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिन्होंने बदर में खुद पार्टिसिपेट किया वो हमें खुद बता रहे हैं कि उनका क्या हाल था इस वक्त।
ये भी पता चलता है कि कुरैश की तरफ जो है वो ही, जैसे मैंने आपको भी बताया कि डाउन पोर रेन हुई थी, जिसकी वजह से पूरा गदला, उनका उनका कैंप जो है वो बुरी तरह पानी के साथ गदला हो गया था और उसमें पडल्स बन गए थे। तो और फिर ये कि वो हो गया था। अच्छा, इसके अलावा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी हमें एक रिवायत मिलती है और वो फरमाते हैं कि मैंने किसी को सारी रात अल्लाह की इबादत में रहते और इस तरह मिन्नतें करते नहीं देखा जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर की रात करते देखा। तो इसका मतलब है कि अबू बकर रज़ी सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जाग रहे थे या मतलब उनकी आँख खुल गई थी नींद से, तो उनको मालूम है कि जब भी वो जागे, जब भी उनकी आँख खुली, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से सजदे में गिरे हुए और मिन्नतें करते हुए ही देखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को कोई नींद ली ही नहीं? तो इब्ने कसीर से हमें पता चलता है कि उन्होंने आँख लगाई थी थोड़ी देर के लिए, और ये हमें इस वजह से पता लगता है कि इस मौके पर उन्होंने एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब जो है वो अक्सर हदीस की किताबों में और इब्ने कसीर वगैरह में मेंशन है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हाँ, थोड़ी देर के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख लगाई थी। और इस ख्वाब का जिक्र भी सूरह अनफाल में आया है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 43 और 44, जिसका तर्जुमा इस तरह से है कि इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में दिखाया कि उनकी फ़ौज बहुत छोटी है, और अगर बहुत करके दिखाता तो आप लोग जी छोड़ जाते और इस काम में झगड़ने लगते, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया, बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ़ है। इस वक्त जब तुम लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए तो काफिरों को तुम्हारी नज़र में थोड़ा करके दिखाया और तुम्हें इनकी नज़र में, ताकि खुदा को जो काम मंजूर था इसे कर डाले। सब कामों का रुजू खुदा ही की तरफ है। अभी अल्लाह ताला हमारे सामने जो है ना, वो मंजर कशी कर रहे हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे और अल्लाह ताला ने उसमें क्या एक्ट जो है वो प्ले किया था और क्यों किया था। कि अल्लाह ताला ने जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लगी तो उनको ख्वाब में ये जो कुरैशियों की जो फ़ौज है ये कम तादाद में दिखाई, ये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं दिखाई, और अल्लाह ताला ख़ुद उसका रीज़न बता रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा तादाद में दिखा देते तो शायद तुम लोग दिल छोड़ देते, शायद परेशान हो जाते और लगता कि तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हो, और इस वजह से, और उनको भी, कुरैशियों को भी मुसलमानों की तादाद जो है वो कम दिखाई गई, ताकि वो इस मरने मारने पे, कटने मरने से पीछे ना हटें और उनको ये हो कि हाँ, आज तो हम इनको सफ़ा हस्ती से मिटा के जाएंगे, मुसलमान जो नाम है, इस्लाम का नाम मुकम्मल ख़त्म करके जाएंगे। लेकिन दर हकीकत इन सब के पीछे अल्लाह ताला का मकसद क्या था? अल्लाह ताला का मकसद उनको सज़ा देना था, जो अल्लाह ताला ने इन मुट्ठी भर लोगों की बेसरो समानी की हालत में इनके हाथों से दिलवानी थी, और यही अल्लाह ताला को मंजूर था और वो अल्लाह ताला ने किया। उस वजह से अल्लाह ताला ने इनको दोनों तरफ जो है वो इस तरह का ख्वाब दिखाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेचुरली इस ख्वाब के बाद बहुत हाई स्पिरिट्स में आ गए, बहुत उनका जो मोरल है वो हाई हो गया, और उन्होंने अपनी सिपाहियों को तरतीब देनी शुरू की, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी टैक्टिक इस्तेमाल की इस जंग में जो इससे पहले अरबों में इस्तेमाल नहीं की जाती थी, और इसको इसको अरबी में कहते हैं अल फुरुअल कर, और इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि आप उर्दू में कहा जाता है शब खून मारना, कि एक पार्टी जो है वो आगे जाती है बड़ी तेज़ी के साथ और दुश्मन का जितना नुकसान कर सकती है वो नुकसान करती है, और फौरन उसी तेज़ी के साथ पलट के वापस आ जाती है, और फिर एक फ्रेश पार्टी जो है वो दोबारा जाती है और वो उनके ऊपर अटैक करके इस तरह से वापस आ जाती है। तो इसको कहा जाता है अलफरूअल कर। तो ये अरब का जो तरीक़ाकार था, ये इस तरह से नहीं था। इन लोगों को अपने दस्ते तरतीब देने नहीं आते थे, या आप कह लें बटालियंस की इनको पता नहीं था, आदत नहीं थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगी टैक्टिक्स इख्तियार की तो हम लेटर ऑन देखते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे जो बहुत ही जंगजू किस्म के लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल इस वजह से किया था कि वो इंतहाई इम्प्रेस हुए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी टैक्टिक्स से, कि वो बाकी जहाँ पर लड़ते थे उनको पता लग गया था कि they are all just a lost cause,
वो नहीं अब इतने अच्छे वहां पर नहीं चल सकते उन, या उनको लगता था कि उनकी जो जंगजुआना सलाहियतें हैं वो कुरैशी तो इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी टैक्टिक्स हैं कि वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बटालियंस या दस्ते तरतीब दिए और हर बटालियन का एक लीडर बनाया। और इस फौज में मुसलमानों के पास ज़्यादा हथियार तो थे नहीं, लेकिन जो भी हथियार थे इनको इस तरह से तरतीब दिया गया कि जो जावलिन्स और स्पीयर्स जो नेज़े थे वो बिल्कुल फ्रंट रो में आ गए, और उसके बाद जो जो तलवारें थीं वो तलवारों वाले जिनके पास तलवारें थीं वो बीच में हो गए, और जिनके पास एरोज थे वो उनके पीछे चले गए और वो उनको एक तरह से कवर करते रहे एरोज बरसा के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जंगी तरबियत हासिल नहीं की थी, मगर ये वो चीज़ थी जो कि इल्हामी तौर पे अल्लाह ताला ने, मतलब एक अल्लाह ताला ने हर शख्स को क्रिएटिविटी भी तो दी है ना, मतलब हमारे यहाँ भी लोग इतने इतने क्रिएटिव लोग हैं जो कि अपनी फील्ड के अंदर अपनी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हाईली इंटेलेक्चुअल, वो तरबियत दुनियावी तौर पे तरबियत याफ्ता नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये चीज़ इनग्रेन की थी कि वो किस तरह से हैरान कुन तौर पर जो है ना वो जंगी तरतीब दें, या बहुत सारे बहुत मामलात में हमें उनकी ये चीज़ नज़र आती है, और ये मुसलमानों के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद भी थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ के बीच में चल रहे थे, अभी जैसे उन्होंने सुबह में उठ के फजर की नमाज के बाद अपनी रोज़ तरतीब दी, इनके रोज़ के बीच में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, मार्श कर रहे थे और इनको सीधा करवा रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे नमाज की सफ़ें बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बटालियंस की भी जो सफ़ें हैं इनको बिल्कुल स्ट्रेट करवा रहे थे। एक सहाबी थे जो किसी सफ में बहुत आगे निकल कर खड़े हो गए थे, इनका नाम था स्वात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक छड़ी से इनके सर के ऊपर, लेकिन उनके हाथ में एक छड़ी सी थी और वो जिस तरह टीचर नहीं करते कि आप उधर हो जाओ छड़ी से पॉइंट आउट करके, तो वो ये सहाबी जो बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए थे इनको हल्का सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी टमी के ऊपर ना ऐसे छड़ी मार के चलो चलो पीछे हो जाओ तुम पीछे हो के खड़े, इस तरह किया तो अपनी सिफ दुरुस्त करो। तो सुवात ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे छड़ी से मार कर दर्द दिया, और मतलब बिला किसी वजह के इस बंदे की बातें सुने ना, अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एन जंग से पहले ये कह रहा है कि आपने मुझे छड़ी से मारा, मुझे दर्द हुआ इससे, तो बिला किसी वजह के, और अल्लाह ताला ने तो आपको हम पर मबूस फरमाया है और सच्चाई और अदल के लिए, तुम तो मैं अपने लिए आपसे अदल का मुतालबा करता हूँ, यानी कि मुझे अपना बदला चाहिए आपसे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि मतलब मैं जब ये सुन भी रही थी पढ़ भी रही थी ना, तो मुझे अजीब लग रहा था कि आज हम देखें तो आज हम अपनी क्लास टीचर को नहीं कह सकते ये बात। अगर हमारी क्लास टीचर आप को खड़े होके जो है वो हल्की सी छड़ी मार दे कुछ और आप कहें कि नहीं आपने जो मुझे दर्द दिया है और मुझे इसका बदला चाहिए अभी, तो हमें आगे से दो छड़ियाँ और पड़ेंगी शायद। लेकिन ये मतलब दुनिया जहानों के बादशाह से एक आम सा सिपाही उनकी बटालियन का जो है वो मुतालबा कह रहे कि आपने अभी मुझे ये दर्द दिया और मुझे अभी ये कि अभी इसका बदला चाहिए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखें आप कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन छड़ी फेंकी और जो है वो अपनी कमीज़ ऊंची कर ली, अपनी कमीज़ ऊंची की और उन्होंने कहा आओ आके अपना बदला ले लो। तब बहुत मतलब क्या कहा जाए ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतनी खूबसूरत मिसालें हैं कि इंतहा नहीं कोई, और उन्होंने फौरन अपनी कमीज़ ऊंची कर ली और उनको कहा कि आओ अपना कसास ले लो। और सवाद भी जो था ये देख कर फौरन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरहना उनका पेट था उनकी कमीज़ ऊपर हुई हुई थी उसको लिपट गया और उसको चूमने लगा, और सुवात रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ है सुवात, ये तुम ये क्या कर रहे हो? तो सुवात ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है जिसमें हम हैं, और आज के दिन पता नहीं हम मर जाते हैं या जी जाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आखिरी चीज़ जो मेरी स्किन के साथ टच हुई हो
वो आपकी स्किन हो, जो मेरी स्किन ने महसूस की हो वो आपका जसद मुबारक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नहीं मरे, सुआत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो उनकी शहादत नहीं हुई इस जंग में, लेकिन ये एक जेन्युइन थॉट थी, एक जेन्युइन प्यार था कि और किस तरह से वो मतलब ये काम कर सकते थे ना, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। इसको कहते हैं बहुत ही मौका परस्त इंसान, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस वक्त में ये कर लिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की हिकमत और बरकत की। ये हमें भी बताता है कि अल्लाह की शरीयत के आगे आका, गुलाम, आम और ख़ास सब एक जैसे हैं, एक ही सतह पर हैं, और इससे बढ़कर प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई मिल नहीं सकती किसी भी और मज़हब में या कल्चर में। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बढ़कर हमें इसकी कोई एग्जांपल मिल सकती है। तो जनाब, अब सामने कुरैश की आर्मी है और महसूस हो रहा है उसको देख के कि उनमें कुछ खुलबली सी मची हुई है, या ये भी कुछ तरतीब दे रहे हैं। जब ये देख रहे हैं कि मुसलमान एक तरतीब में अपने आप को कुछ तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं अपने सफ़ों को, और इनमें एक शख्स है जो कि घोड़े पर सवार है, जो कि सॉरी सुर्ख ऊँट के ऊपर सवार है, एक शख्स जो है वो सुर्ख ऊँट पर सवार है और बेचैनी से इधर से उधर सफ़ों में अपना ऊँट दौड़ा रहा है, कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जाता है, जैसे उनसे कुछ बात कर रहा है, उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देख रहे थे और अपने साहिबों से उन्होंने कहा, कुरैश में अगर कोई ज़रा भी अच्छाई है ना तो वो इस शख्स में है जो सुर्ख ऊँट पर सवार है, और अगर इन कुरैशियों में ज़रा भी अकल है तो इनको इस आदमी की बात सुननी चाहिए। मतलब अगर इस आदमी की बात सुन लें तो शायद ये लोग कामयाब हो जाएं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कहा कि अली आगे जाओ और जाकर हमज़ा से पूछो कि ये आदमी कौन है और ये क्या कह रहा है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखा तो एक बार फिर अपने हाथ दुआ में उठा लिए और दुआ की, या अल्लाह, ये कुरैश हैं आपके ख़िलाफ़ खड़े होकर आए हैं अपने गुरूर और तकब्बुर में, मैं आप और आपको ललकार रहे हैं और आपके नबी का इंकार कर रहे हैं, या अल्लाह आपकी मदद चाहे जिसका आपने वादा फरमाया है, या अल्लाह आपकी मदद वो मदद चाहिए, या अल्लाह आपकी मदद जिसका वादा है और अल्लाह आपकी मदद जिसका वादा है, या अल्लाह आपकी मदद जिसका वादा है, आज इनको मुकम्मल तबाह फरमा दें। यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैदान जंग में भी खड़े होकर उसी तरह से दुआ फरमा रहे हैं जिस तरह वो कर रहे थे। अच्छा, ये हमने अभी तक सारा जो सिनेरियो बयान किया ये सारा का सारा मुसलमानों की साइड का है, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आर्मी, और जिस तरह के हमारा रहा है अब तक कि अब हम कैमरे को लेकर जाते हैं कुरैशियों की साइड पर, अब उनके कैंप में उस साइड पर क्या हो रहा है, फिर हम उनका भी आगाज़ करते हैं अली सुबह 17 रमज़ान की सुबह से। तो रमज़ान 17 की सुबह रात में ये लोग बहुत काफ़ी लेट बदर के मैदानों में पहुँचे, तो सुबह सादिक के वक्त ही उन्होंने अपना एक बहुत ही मंझा हुआ स्काउट, अपनी आर्मी में से कोई एक ऐसा जासूस, एक स्काउट जो है उसको मुंतखब किया, और उसका नाम था उमैर इबन वहब अल जुमाही। तो इसको सुनगुन लेने के लिए मुसलमानों की तरफ उन्होंने भेजा कि जाके पता लगाओ कि मुसलमानों की तादाद कितनी है और उनके पास कितने हथियार हैं और हमारे क्या कॉम्स हैं, हम किस तरह से लड़ेंगे, क्या होगा। बहरहाल यह शख्स उमैर बहुत दूर तक जायज़ा लेकर आया, इसने पूरे मैदान में बदर का चारों तरफ से मुशाहिदा किया, यानी कि ये आउटस्कर्ट्स के ऊपर बदर के जाके और इसने चक्कर लगा के और देखा कि वहाँ पे मुसलमानों की क्या तैयारी है। जब वापस आया तो इसने इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया कुरैशियों को कि ये लोग तकरीबन 300 के लगभग हैं, थोड़े से ज़्यादा होंगे, मगर मुझे लगता है कि ये एक बड़ी ही बर्बादी है, जो तबाही है जो होने वाली है। मैंने देखा है यसरब के बहुत ही जवान सा लोग तैयार बैठे हैं लड़ने मरने के लिए, और एक ऐसा मजमा है इन लोगों का जिनके पास सिवाय इनकी तलवारों के और कोई मदद या आसरा नहीं है। इनके पास
सिवाय डेस्परेशन के और कुछ नज़र नहीं आता कि बस ये इतने डेस्परेट हैं, इनका जज्बा इनमें इतना ज़्यादा है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इनको इस वक्त मार सकेगा जब तक कम अज़ कम एक बंदे को वो ना मार डालें। और अगर इनमें आप में से 300 भी मर जाएंगे, जो कि तकरीबन 1/3 एक तिहाई बनते हैं, तो इससे आपको क्या मज़ा मिलेगा। मगर आप जो चाहें करें, मैंने बता दिया जो बताना था। और इनके पास कोई ख़ास हथियार नहीं है, नफरी नहीं है, घोड़े और साजो सामान नहीं, जिरहे नहीं, कुछ नहीं, बस एक जज्बा है, डिटर्मिनेशन है, बहादुरी है, और इनकी तलवारें हैं, और बस। बात ये है कि ये बंदा है तो कुरैशियों का, मगर किस कदर समझदार और इसका एस्टिमेट कितना दुरुस्त था। और इसने जो ओपिनियन दिया, जो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन वो दे रहा है, वो भी कितना दुरुस्त था कि उसने कहा कि अगर उनमें से, मतलब मैं जो उनमें जज्बा देखकर आया हूँ, तो मैं यही देखकर आया हूँ कि वो ठीक है, आप चाहे उनको मार भी देना, लेकिन वो मरने से पहले एक एक बंदे को कम से कम ज़रूर मार लेंगे। तो आप जो 1000 फौज लाए हैं अपनी, 1000 बंदों की, उसमें से एक तिहाई अगर मार के, मरवा के, आप उन लोगों को मार के फिर जाएंगे, तो भी आप क्या, मतलब आप क्या साबित कर लेंगे, क्या कितनी की ये कोई बहादुरी होगी या किस तरह से होगा। तो इस पर अबू जहल, जो हमेशा का, जिसे कहते हैं ना, बीच में आके और गंद मारने वाला, वो कहता है हमने तुम्हारी राय नहीं मांगी, जो काम कहा था वो बस करो और बस, बाकी हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी है। वो अबू जहल अपने तकब्बुर में वो वैसे का वैसे ही, जैसा उसने हमेशा से एक्ट किया। लेकिन अभी भी इनकी जो फौज थी कुरैशियों की, जैसा हमने पहले भी किया था कि मक्का से निकलते हुए भी कई लोग ऐसे थे जो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ किसी प्रेशर की वजह से, या अबू जहल की गंदगी की वजह से, या अपने आप को किसी बुरे हाल में मज़ीद बचाने के लिए वो आए थे। उनका मकसद लड़ना नहीं था और वो लड़ना नहीं चाहते थे। अभी भी बहुत सारे इनकी आर्मी में जो है वो ऐसे लोग मौजूद थे, और वो चाह रहे थे कि वो बात करके, किसी बातचीत के ज़रिए अभी भी जो है ना वो मामले को रफा दफा करा लें, इससे पहले कि कोई जंग हो। और एक और शख्स जो नहीं चाहता था कि जंग हो, वो था हकीम इब्ने हुज़ाम। उस बंदे का नाम था हकीम इब्ने हुज़ाम, और हकीम इब्ने हुज़ाम का बेटा एक सहाबी है और मुसलमानों के साथ है, इनका नाम है हुज़ाम बिन हकीम। तो हकीम बिन हुज़ाम के बेटे का नाम है हुज़ाम बिन हकीम, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। और वो सहाबी हैं, जबकि इनके वालिद जो हैं ये कुरैशियों की फ़ौज में। हकीम बिन हुज़ाम गया उतबा और रबिया के पास, जो शुरू से ही जंग के ख़िलाफ़ था। उतबा इब्न रबिया जो है ये भी शुरू से जंग के ख़िलाफ़ था, और इसने उतबा को राज़ी किया कि वो किसी भी तरह से कोई मुआहदा करे, या मतलब दोनों फ़ौजों के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा हो जाए कि लड़ाई ना हो। और इसको कहा कि तुम खून बहा का मुतालबा करो, कि तुम खून बहा का मुतालबा क्यों नहीं करते उतबा, अमर अल हज़री के खून के बदले में। अब हज़रमी वो शख्स है जो कि ग़ज़वतु नखला में मारा गया मुसलमानों के हाथों, शहरुल हरम के, शहरुल हराम के महीनों में, जिनको ये हुरमत वाले महीने कहते थे, उसमें एक शख्स जो मारा गया था, वो इनके कबीले का था, उतबा इब्ने रबिया के कबीले का था। तो ये हकीम बिन हुज़ाम उसके पास गए, उतबा बिन रबिया के पास, और उनको मशवरा दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम खून बहा का मुतालबा कर लो, बजाय इसके हो सकता है इस तरह से जो है ये जंग रुक सके। उतबा ने कहा, अब इधर उतबा जो है वो भी तैयार बैठा था, उसने कहा अच्छा अगर ये खून रेजी रुक सकती है तो मैं पूरे का पूरा खून बहा अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस्लाम से पहले भी ये रिवायत थी कि अगर खून बहा की रकम अदा कर दी जाए, तो जो कि बहुत खतीर रकम होती थी, तो मज़ीद खून नहीं बहाया जाता था। तो उतबा ने हज़रमी के जो अज़ीज़ व अक़रबा थे, जो कि कुरैशियों के साथ आए थे मक्का से, उनको जमा किया और उनसे मुखातिब होकर कहा कि देखो मैं हज़रमी का पूरा मुकम्मल खून बहा देने को तैयार हूँ, तो अब तुम लोग जाके इस हज़रमी के खून का बदला लेने का मुतालबा बंद कर दो, क्योंकि एक वजह जो है
वो जंग पे आने की उन्होंने ये रखी भी थी ना कि भाई हमें तो खून का बदला लेना है, बदला लेना है। तो अब ये उतबा उनको कह रहा है कि तुम लोग जाके अबू जहल के सामने उसको ना उकसाओ मजीद, और ये उसका लेने का मुतालबा बंद कर दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा खून बहा देने को तैयार हूँ। हकीम ने भी खुद आकर इन लोगों से कहा कि लोगों इस आदमी की बात सुनो और मानो, देखो ये सही कह रहे हैं। इस वक्त उतबा ने भी कहा कि अगर कोई तुम लोगों को बुजदली का ताना दे तो कहना उतबा बुजदिल हो गया। अगर तुम लोग लड़ना चाहते थे मगर उतबा ने खून बहा देकर ये फसाद रोक दिया है, हालांकि तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं कोई बुजदिल नहीं हूँ। अब उतबा जो है वो खुद उनको कह रहा है कि हाँ तुम्हें कोई कहे कि तुम लोगों को बुजदली का ताना दे, तुम कहना हाँ हाँ उतबा बुजदिल हो गया, और वल्लाही तुम लोगों को क्या मिलेगा इस आदमी को पिछाड़ कर। अगर तुमने इसे हरा दिया तो तुम अपने ही किसी भाई बंधु या किसी रिश्तेदार को कत्ल कर रहे होगे, और कैसा लगेगा तुम लोगों को? क्या अच्छा लगेगा कि अपने ही रिश्तेदारों के कातिलों में तुम्हारा भी शुमार हो जाए? अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारी तरफ से कोई इनको मार देगा, और या उनकी तरफ से कोई तुमको आके मार देगा। अगर वो इनको मार देते हैं तो कम से कम ये करीह काम हमारे सर नहीं होगा। यानी कि उतबा कह रहा है कि कम से कम तुम लोग नहीं लड़ोगे तो उससे ये होगा कि कोई और अगर उनको मारेगा तो ये जो एक इस काम का जो बोझ है, जो उसका गिल्ट फैक्टर है, एटलीस्ट वो तुम्हारे सर पे या मेरे सर पर नहीं आएगा। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गया और पांसा पलट गया तो उनकी इज्जत में हमारी भी इज्जत है, क्योंकि हम सब एक ही खानदान के लोग हैं, और हमारे पास एक एक्सक्यूज़ भी होगी कि हम इनसे माफ़ी मांग लेंगे कि भाई हम तो आपसे लड़े नहीं, इन केस वो जीत जाते हैं और हम लोग हार जाते हैं, तो हमारे पास एक एक्सक्यूज़ तो होगी कि बाद में कहीं वो हमें कत्ल ना करें कि हम जो है वो हम तो नहीं लड़ रहे थे, हम तो पहले ही पीछे हो गए, तो ये हमारे पास एक एक्सक्यूज़ की तरह होगी। तो ये उतबा बिन रबिया था जो सुर्ख ऊंट पर सफ़ों के बीच में दौड़ रहा था और सब लोगों को ये कह रहा था, जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि अगर इन कुरैशियों में ज़रा भी अक़ल है तो इस शख्स की जो कि सुर्ख ऊंट पर सवार है इसकी बात सुनेंगे। हकीम ये देखकर बड़ा ही खुश हुआ और फौरन अबू जहल के पास पहुंचा और कहा, वो अबू जहल उतबा खून बहा देने पर तैयार है, अब बस करो, पीछे हट जाओ और जंग की ज़रूरत नहीं है। अबू जहल तो इंतहाई अपने तकब्बुर में बैठा हुआ था और इंतहाई हकारत आमेज़ लहजे में बोला, ओ हकीम, क्या उतबा को तुम्हारे अलावा कोई और नीच इंसान नहीं मिला था कि ये मैसेज हम तक पहुंचाए? मतलब इसकी इस आदमी की पता नहीं क्या, इसको सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ये हमारी उम्मत का फिरौन है, कि इसकी कोई बात इसकी ऐसी नहीं होती थी कि जो आग लगाने वाली ना हो। अभी हकीम बिन हुज़ाम वो भी कुछ छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो भी एक सरदारों में से सरदार है, और उसको कह रहा है कि उतबा को कोई और नीच इंसान नहीं मिला था ये मैसेज पहुंचाने के लिए। तो हकीम ने कहा, मैं इसका ग़ुलाम नहीं हूं, मगर ये मेरा भी कहना है और मैं भी ऐसे ही चाहता हूं। तो अबू जहल ने कहा, जब इसने ये देखा कि दो तीन बड़े सरदार अपना दिमाग बदल रहे हैं लड़ाई के बारे में, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा हजरमी के सगे भाई के पास गया, यानी कि जो जो शख्स मारा गया था जिसका बदला लेना था, ये अबू जहल जो है वो सीधा उसके भाई के पास गया और उसको जाके कहता है कि उसको वही अपनी टैक्टिक्स के साथ शर्म दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं, तुम अपने भाई की जान के बदले सिक्के लेने लगे हो, तुमने अपना भाई का खून बेच दिया है और तुम उसके बदले अब पैसे ले रहे हो। तो इस आदमी की वही जो गैरत और हमियतुल जाहिलिया, जिसको कुरान ने भी कहा है कि वो जाहिली गैरत जाग गई, और उसने बड़े गुस्से से जब जज्बात में तकरीर की कि उतबा की तकरीर के बिल्कुल बरखिलाफ थी, और ये लोग अपनी बात से फिर गए, यानी कि उस एक बंदे ने जो उसका भाई था हजरमी का, उसने बाकी तमाम लोगों को फेर लिया, और इन लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले उतबा के साथ बात की थी और उससे वादा किया था और मान गए थे, ये सब अपनी बात से बदल गए। फिर अबू जहल उतबा के पास पहुंचा और उतबा को कहने लगा कि उतबा में भी गैरत जगाने की ना कोशिश की, उसकी तजलील करके,
कि तुम असल में डर गए हो मुसलमानों की फ़ौज के रैंक्स देखकर और तुम इंतहाई बुजदिल हो गए हो। अब हालांकि ये देखें कि कुछ देर पहले उतबा ख़ुद उनको कह रहा है कि हाँ अगर तुम्हें कोई बुजदिली का ताना दे तो कहना कि उतबा बुजदिल हो गया, लेकिन जैसे ही ये शख्स अबू जहल जो है ये जाके इसने बुजदिली का ताना दिया उतबा को, तो ये एकदम ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सका उस वक्त, और उतबा की जो गैरत है वो भी अचानक से जाग गई, जो अभी तक सोई पड़ी थी और बहुत वो करवाने की कोशिश कर रहा था वो एकदम से गैरत जाग गई। और कहते हैं ना जब इंसान का गुस्सा और ये ईगो परस्ती जब ये जाग जाए तो आप तो फिर इंसान को समझ में आना, समझना बूझना बंद हो जाता है। उसके बाद ईगो की जो एक पट्टी बन जाती है ना वो हर चीज़ के ऊपर एक बिल्कुल आपकी वो डाल देती है। अब ये आदमी, खैर उतबा भी जो है वो बिल्कुल फ्लिप हो गया और उसने कहा बहुत ही इमोशनली और बहुत इमोशनल होकर, बहुत ही लाउड होकर उसने कहा, ये आदमी यानी कि अबू जहल को उसने कहा, जो अपना पिछवाड़ा भी औरतों की खुशबू से साफ करवाता है, ये मुझे बुजदली का ताना दे रहा है। यानी कि उसने भी एक बहुत एक गाली की तरह की एक बात जो है उसने कही, ये मुझे बुजदली का ताना देता है और ये देख लेगा कि कौन असल बुजदिल है। और इसी वक्त उतबा ने अपने भाई और बेटे को बुलाया और ये तीनों सबसे पहले मुबारजे के लिए निकल गए। यानी जंग से पहले जो मुबारजा होता है जिसमें वन ऑन वन फाइट होती है, और अगर ये फाइट आप जो लीडर्स हैं उनके बीच में हो जाए तो इट्स लाइक उसी वक्त जंग का फैसला हो जाता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो यानी कि इतना ज़्यादा इसको पंप कर दिया अबू जहल ने, इसकी ईगो को इतना ज़्यादा उभारा कि ये बिना सोचे समझे इसने अपने भाई को लिया, अपने बेटे को लिया, और ये तीनों एक ही ख़ानदान के अफराद सबसे पहले जाके मुबारजे के लिए खड़े हो गए। और कुरैश जो है वो अबू जहल के जो है वो खड़ा हो गया और इसने दुआ की। हालांकि इसकी जो दुआ थी वो ज़्यादातर इसके अपने ही ख़िलाफ़ जा रही थी, लेकिन इसने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और इसने ये दुआ कर रहा है, अबू जहल जो है वो खड़ा होकर दुआ कर रहा है, ओ अल्लाह जो भी दोनों जमातों में से ज़्यादा ईवल की तरफ है, बुराई की तरफ है, तो आप और जिसने ज़्यादा रिश्तेदारियों को मुनक़ता किया है और जो भी जमात ज़्यादा नामालूम दीन और कल्चर से लाए हैं और जो भी ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ों से मुतारफ़ करवा रहे हैं, इनको आज इनकी मौत से मिला देना। तो मेरे अल्लाह ने इसका जवाब जो है ना सूरह अनफाल में बड़ा अच्छा दिया है, जो कि मैं आपको बताऊँगी पढ़ के। लेकिन आप देखें कि इसकी ये जो दुआ है ये हर्फ ब हर्फ ख़ुद इसके अपने ऊपर पलट रही है कि दोनों जमातों में से जो भी ईवल है, जिसने रिश्तेदारियां मुनक़ता की हैं, जो नामालूम दीन और कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हमारे बीच में, अजीब व गरीब चीज़ों से मुतारफ़ करवा रहे हैं, और इनको इनकी मौत से मिला दें।